अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त दास्तान सुनाने जा रहे हैं। यह 70 की दिहाई की बात है। शाम के वक्त कराची के सिविल हस्पताल से एक एम्बुलेंस सिंध के शहर सांगड़ के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस में एक जवान लड़की की मैयत मौजूद थी, जो कुछ देर कबल ही टीबी जैसे मूजी मर्ज के हाथों हलाक हुई थी। मैयत के हमरा लड़की की वालदा और दीगर चंद अहबाब मौजूद थे, जबकि इस एम्बुलेंस को एक बारिश शख्स चला रहा था। एम्बुलेंस में शो का माहौल था, जबकि मैयत और लवाहिकीन की देखभाल के लिए एक नौजवान नर्स भी इस एम्बुलेंस में मौजूद थी। फौत होने वाली लड़की की बूढ़ी वालदा मैयत के हमरा सरापाए गम बनी बैठी थी। कराची शहर से निकलकर ये एम्बुलेंस अपने रास्ते पर रवान दवा थी। शहर के बाद शहर और गांव के बाद गांव गुजर रहा था। जैसे ही एम्बुलेंस सांगड़ शहर की हदूद में एक सुनसान रास्ते पर पहुंची, तो चंद अफराद ने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की। एम्बुलेंस को रोकने वाले ये दराज कद अफराद घोड़ों पर सवार थे और उन्होंने सफ़ेद पगड़ियाँ सरों पर बांध रखी थी। ये डाकू थे, जिनका इरादा इस एम्बुलेंस में सवार लोगों को लूटने का था। डाकुओं के साथ कुछ देर होने वाली बातचीत के बाद हलाक होने वाली लड़की की ज़ईफ वालदा इस एम्बुलेंस से नीचे उतरी और उन्होंने सिंधी जबान में डाकुओं को बताया कि उनकी जवान लड़की टीबी के बायस वफात पा गई है और गाड़ी में इसकी मैयत मौजूद है। उस बूढ़ी खातून ने जब डाकुओं को यह बताया कि इस एम्बुलेंस को चलाने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि अब्दुल सत्तार ईदी हैं, यह सुनना था कि डाकू घोड़ों से नीचे उतरे एम्बुलेंस के ड्राइवर को बगौर ऊपर से नीचे इस अंदाज में देखा जैसे वो बुजुर्ग खातून के कॉल की तस्दीक करना चाह रहे हों। ईदी साहब को सर से पांव तक देखने के बाद एक डाकू बोला, हम मर जाएंगे तो हमें हमारे माँ बाप लेने नहीं आएंगे, हमें यकीन है तुम हमें लेने आओगे और हमारी कब्र पर मिट्टी भी डालोगे और हमें कफन भी तुम ही पहनाओगे। ये कहकर डाकू ने ईदी साहब का हाथ चूमा और अपनी जेब से ईदी फाउंडेशन के लिए 100 रुपये चंदा दिया और एम्बुलेंस को इज्जत तो एहतराम के साथ जाने दिया। तो नाज़रीन, ये चंद लम्हात थे अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी के, जो कि हमने बहुत मुख्तसर करके अपनी इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं। पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन का इंतज़ाम अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे फैसल ईदी और पोते साद ईदी संभाल रहे हैं। बिल्किस ईदी के मुताबिक फैसल ने अपनी अहलिया को ख़वातीन के सेंटरों की जिम्मेदारी दे दी है, जबकि साद और अहमद छोटा बेटा मिलकर काम करते हैं। फैसल बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है और इसका मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल है ताकि नर्सिंग को प्रमोट किया जाए। वो हमारे ड्राइवरों को भी तरबियत फराहम करता है और साथ में हम भी इनकी निगरानी करें। नज़र उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए यूनिटी न्यूज़। अपनी कीमती कॉमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।